हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कक्षा 8 के प्रश्नावली नंबर 6.1। इसमें हमें दिया गया है पहला क्वेश्चन कि नीचे दर्शाई गई आकृतियों में पेंसिल से विकर्ण बनाइए और बताइए। यानी कि जो आकृति हमें यहाँ पर दी गई, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि टोटल हमारे पास में 6 आकृति दी गई है। इसमें हमें विकर्ण बनाने हैं पहले तो, और उसके बाद में बताना है। बताना क्या है आपको, ये 3 प्रश्न है, इसमें इन 3 प्रश्न के आपको उत्तर है वो लिखने हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किन आकृतियों में, सबसे पहले हम विकर्ण बनाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर पेंसिल से हम विकर्ण बनाते हैं, तो पहली आकृति जो है उसमें विकर्ण किस तरह से बनेगा, तो देखिए यहाँ से हम इसमें जो विकर्ण बनाएंगे, एक विकर्ण तो यहाँ से ऊपर से इस तरह से बना देंगे, तो डॉट डॉट के निशान से बना देंगे। दूसरा विकर्ण इससे यहाँ से इस तरह से बना देंगे, और तीसरा जो है वो इस तरह से बना देंगे। तो देखिए ये एकदम डायरेक्ट, ये सीधा है, इस तरह से है, थोड़ा सा आकृति है वो सही नहीं है। तो यहाँ से एकदम ये सीधा बनेगा, और यहाँ से भी ये एकदम सीधा बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए इसमें हमने विकर्ण बना दिए, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका अगर नाम लिखें हम, तो ये ए बी सी डी, और इस बिंदु का नाम लिख दें ओ। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें जो विकर्ण हमने बनाए हैं वो कौन कौन से बने हैं वो हम बाद में चर्चा करेंगे इस पर, या इसको हम लिख भी सकते हैं। यहाँ से देखिए जो हमने बनाए हैं वो भी लिखने हैं, और जो विकर्ण बनता है वो भी लिखना है। जैसे कि यहाँ से हमने ये लाइन ओ ए यहाँ पर बनाई, ओ से बी बनाई, डी और सी ये बनाई, या सी डी। तो यहाँ पर जो विकर्ण बनेगा, देखिए एक तो ये पूरा ए सी विकर्ण इस तरह से बन जाए, एकदम सीधा होगा तो ए सी बन जाएगा, फिर यहाँ पर बी डी भी बन जाएगा, ऊपर वाला सी डी भी बन गया। उसके बाद में आधे आधे विकर्ण की बात करें तो जो हमने क्या बनाया है, ओ से ए ये भी होगा और ओ बी ये भी होगा। तो इस तरह से इसमें विकर्ण है वो बन जाएंगे, उनके हम नाम लिख देंगे। इस आकृति में विकर्ण बनाने के लिए यहाँ से एक इसको मिला देंगे, और इससे हम इसको मिला देंगे सामने वाली को, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे पास में एक तो विकर्ण ऊपर वाला बन गया, इसका कोई भी नाम लिख सकते हैं आप, और एक यहाँ से ये विकर्ण बन गया, तो इस तरह का आप इनका नाम लिख देंगे, यानी कि इसका कोई भी नाम दे देंगे और यहाँ से इसका नाम लिख देंगे। तो ये दो विकर्ण बन गए, ये यहाँ पर कैंसिल है। यहाँ पर इस चित्र में देखिए, एक तो इस तरह से विकर्ण बनेगा सामने, और एक ये सामने बन जाएगा, तो इसमें दो विकर्ण बन जाएंगे, इनके हम नाम लिख देंगे। इसमें भी दो विकर्ण बनेंगे, ये एक चतुर्भुज है तो इस तरह से बन जाएगा, और दूसरा ये बन जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ की, तो यहाँ से कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, इसमें कितने विकर्ण बनेंगे, तो इसमें काफ़ी बन जाएंगे। यहाँ से अगर हम बात करें तो जहाँ पर लाइन है उस पर तो बनेगा नहीं, तो इससे हम एक तो इस लाइन पे कर सकते हैं, और इस पे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ पर एक लाइन आ गई, यहाँ से इसको हम मिला सकते हैं इस तरह से, ये मिल जाएगा। इस पॉइंट पर भी ला सकते हैं एक, तो ये भी आ जाएगा, फिर इससे यहाँ पर इस पॉइंट पे भी लेके आ सकते हैं, और यहाँ से एक विकर्ण इस पर भी बना देंगे। तो काफ़ी सारे, यानी कि एक पॉइंट से काफ़ी विकर्ण बनते हैं इसमें। इसी तरह से इस पॉइंट से लेंगे तो भी काफ़ी सारे विकर्ण बन देंगे, जैसे कि यहाँ से हम इसको मिला देंगे, और उसके बाद में यहाँ से इसको मिला देंगे, और यहाँ से इसको मिला देंगे, इस तरह से यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ पर भी मिल जाएगा। और फिर इसके बाद इस पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ से एक मिला हुआ है पहले से, तो हम इसको मिला देंगे इस तरह से, फिर इसको मिला दें, यानी कि काफ़ी सारे आप विकर्ण बना सकते हैं। सभी के आपको नाम लिखने, आपको पता चल गया होगा किस तरह से बनाना है। इसमें बात करें तो ये पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट से देखिए यहाँ तो एक लाइन है, और यहाँ पर भी ये भुजा हो गई, तो यहाँ पर तो बनेगा नहीं, तो इसको मिला सकते हैं इस तरह से, ये मिला दिया, इस पर बनेगा नहीं तो इस भुजा को कर सकते हैं। ये पॉइंट लेंगे तो ये पॉइंट से ये भुजा और ये भुजा यहाँ से तो हो गई, तो इस भुजा को हम इस तरह से मिला सकते हैं, और इसको भी हम यहाँ से इस तरह से मिला सकते हैं। यह पॉइंट लेंगे तो इस पॉइंट से देखिए यहाँ पर तो पहले से मिला हुआ है, और इसके सामने ये मिला देंगे। यह पॉइंट लेंगे तो यहाँ से दो विकर्ण पहले से बन चुके हैं, इस पॉइंट से हमने बना दिए, तो इस तरह से जो भी विकर्ण हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। तो ये तो हो गई विकर्ण की बात। अब इसमें लिखा है किन आकृतियों में विकर्ण अंदर बने, यानी कि अंदर अंदर कौन सी बने, तो देखिए इसमें तो एक बाहर बन गया ऊपर की तरफ, यहाँ पर भी एक बाहर बन गया, इसमें अंदर बन गया, यानी आकृति नंबर ये 3 हो गई, तो हम लिख देंगे आकृति नंबर 3, और उसके बाद में आकृति नंबर 4 और 5 और 6, इनमें अंदर विकर्ण बन गए।
किन आकृतियों वीकेंड बाहर बने? तो बाहर एक नंबर और दो नंबर आकृतियों वीकेंड बाहर भी बने हैं, तो इसमें लिख देंगे हम एक नंबर और दो नंबर। अब बात करते हैं उपयुक्त बहुभुजों के प्रकार बताइए, उत्तल कौन सा है, अवतल कौन सा है। तो देखिए उत्तल अवतल की बात करें तो उत्तल वो है जिसके अंदर अंदर विकर्ण बने हैं, तो इसमें बाहर है इसमें बाहर है, तो इसका मतलब ये उत्तल हो गया, ये हो गया उत्तल, क्योंकि इसमें विकर्ण अंदर बने हैं, सिर्फ जिसमें अंदर बनेंगे जिस आकृति में वो उत्तल होगा, तो ये उत्तल हो गया हमारे पास में। यहाँ पर इसकी बात करें तो ये भी उत्तल हो गया, यहाँ पर भी ये उत्तल हो गया, और इसमें भी अंदर बना है तो ये भी उत्तल हो। अवतल में कौन से रह गए? एक तो ये अवतल हो गया, क्योंकि इसमें बाहर अवतल में वो आएंगे जिसमें अंदर भी बनते हैं और बाहर भी बनते हैं, तो ये अवतल हो गया, इसमें भी अंदर और बाहर है तो ये भी अवतल हो गया। तो इस तरह से आपको नाम लिखने हैं। तो ज़्यादा कुछ आपको इसमें करना नहीं है, सिर्फ जो पूछा गया उसका आप आंसर दे दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका। इसके बाद में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर दो। अब इसका क्वेश्चन नंबर दो देखिए, जिसमें हमें दिया गया है एक बहुभुज जिसका नाम है ए बी सी डी। तो यहाँ पर देखिए जो कैपिटल अक्षर में लिखे हुए हैं यानी कि ए बी सी डी ई, ये तो इसका नाम है, ये कोण नहीं है। और इसमें जो अंदर के कोण है वो है ए बी सी डी और ई, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये अंदर का कोण सी आ गया, ये डी आ गया, यहाँ पर ये ई हो गया, ये ए है और ये बी है। बाहर के कोण है वो पी हो गया, क्यू और आर, फिर एस और यहाँ पर हो गया टी, ये बाहर के कोण है। तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखना, आंतरिक कोण है इसके, आंतरिक कोण, और दूसरा है बाह्य कोण। दो चीज़ हमें बतानी है कि अंदर वाले कोण कौन से और बाहर वाले, उनका नाम लिखना है। तो अंदर वाले देखिए ए बी सी डी ई हो गया, यहाँ पर ए बी सी डी और ई, ये अंदर के कोण हो गए। बाहर के कोण पी क्यू आर एस और टी, तो ये होना पी क्यू आर एस और टी, सिर्फ ये आंसर आपको लिखना है। तो ये हो गए हमारे आंतरिक कोण और बाह्य कोण। इसके बाद में हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए, सबसे पहले तो आपको लिखना है कि समबहुभुज किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा लिखनी है। परिभाषा क्या होगी समबहुभुज की? कि वह बहुभुज जिसमें भुजाएं सभी समान होती है या बराबर होती है, वो समबहुभुज होता है। उन समबहुभुजों के नाम बताइए जिसमें जिसमें पाँच भुजा हो। तो पहला क्वेश्चन ये है जिसमें देखिए पाँच भुजाओं और पाँचों भुजा अगर समान है, तो हमें तो समबहुभुज बताना है, यानी कि जिसमें पाँच समान भुजाएँ हो वो होता है क्वेश्चन नंबर पहले का समपंचभुज। समपंचभुज ये हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा जिसमें छह भुजाएं बराबर होती है वो हो जाएगा समषट्भुज। और उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर थ्री, इसमें आठ भुजाएं जिसमें बराबर होती है वो होता है समअष्टभुज। तो सम अष्टभुज हो जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ आपको इसके आंसर है वो लिखने। इसके बाद में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें हमें यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जिसमें से आकृतियों में अज्ञात कोणों का मान ज्ञात करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये चतुर्भुज हो गया हमारे पास में। चतुर्भुज में हम सब जानते हैं कि चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में चारों कोणों का योग है वो 360 डिग्री होता है। अब इसमें एक ये कोण जो है वो नहीं है हमारे पास में, ये 50 है, 130 है और 120 है। तो ये जो कोण है ये x है, तो हमें x का मान है वो ज्ञात करना है। x का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए, हमें देखिए चतुर्भुज में चार कोण है, तो हम क्या करेंगे, चारों कोणों का योग हमें पता है 360 डिग्री होता है, तो हम चारों कोणों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले x लिखेंगे, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला कोण x है इसको मान लेंगे, दूसरा कोई भी लिख लीजिए 50 लिख लीजिए, तीसरा 130 हो जाएगा और चौथा जो कोण है वो 120 हो जाएगा। तो चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चार कोणों का योग 360 होता है, तो बराबर में हम 360 लिख देंगे। संख्या संख्या जो भी है उनको जोड़ लेंगे, तो ये x की जगह x, यहाँ पर प्लस, इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगी 300, ये हो गया 300 और बराबर में आ जाएगा 360। 300 को इस साइड में लेके आएंगे, माइनस में 300 हो जाएगा, तो x बराबर क्या रहेगा, 360 पहले से है, ये इस साइड में आके माइनस में 300 हो गया, 360 में से 300 को माइनस करते हैं तो पीछे रह जाएगा 60, यानी कि जो x कोण है यहाँ पर उसका मान क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो इस तरह से आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर ऊपर आप लिख भी सकते हो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है।
अब आगे देखिए इसका क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो के अंदर वही हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसमें भी देखिए यहाँ पर x है, ये 70 है, ये 60 है, यहाँ का कोण, ये x तो हमें ज्ञात करना है लेकिन यहाँ कोण कितना हो। देखिए बाहर ये जो बना हुआ है ये 90 डिग्री का, तो अंदर भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। यहाँ पर 90 है तो ये भी 90 होगा, तो इसको आप 90 लिखना है आपको। तो वही बात लिखेंगे हम कि चतुर्भुज के सभी जो अंत्य कोण है या चारु कोण है, अंत्य चारु कोण, उनका योग क्या होगा 360 डिग्री होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर लिखना है आपको चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये लिखने के बाद में आपको चारों कोण हैं वो जोड़ने हैं। पहला x लिखेंगे, x प्लस, दूसरा 70 प्लस, उसके बाद में 60 और लास्ट वाला ये 90 लिख देंगे, बराबर में लिखेंगे 360 डिग्री। अब इसमें इन जो संख्याएं उनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस। चलिए इनको हम जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में ये हो जाएगा 70 और 60, ये हो जाएंगे हमारे पास में 130। तो यह हमारे पास में इसमें 90 प्लस करेंगे तो आ जाएंगे 220 और बराबर में रह जाएगा 360। 220 को इस साइड लेके आएंगे माइनस में आ जाएगा, तो x बराबर 360 माइनस 220, माइनस कर लेंगे तो 36 में से 22 को माइनस कर लीजिए तो यहाँ पर 8 और 6 14 रह जाएंगे, तो x बराबर 140 डिग्री। तो यहाँ पर जो कोण है उसका मान आएगा 140 डिग्री। अब देखिए इसका 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें हमें हमारे पास में ये एक पंचभुज है क्योंकि इसमें 1, 2, 3 और ये नीचे वाली 4 और ये 5 भुजाएं हैं, तो पंचभुज हो गया। तो इस बार हमें 360 डिग्री नहीं लेना क्योंकि इसके अंदर का जो कोणों का योग है वो 360 डिग्री नहीं होता, सिर्फ चतुर्भुज में होता है। तो यहाँ पर ये भी x है और ये भी x है, इसका मतलब दोनों तरफ संख्या सेम ही आएगी। यहाँ पर अगर 50 डिग्री आएगा तो ये भी 50 ही होगा, तो इसमें आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर देखिए इसके अंदर वाला ये कोण हमारे पास में नहीं है और ये अंदर वाला भी नहीं है, क्योंकि हमें तो अंदर वाले कोण जोड़ने हैं, अंदर का अगर कोण ज्ञात करना है तो अंदर वालों को जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पर 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हमें लिखना है कि पंचभुज के सभी अंत्य कोणों का योग अब कितना होता है। तो मैं आपको अगर डायरेक्ट बता दूँ तो 540 होता है, लेकिन आपको नहीं पता है कि किस तरह से ज्ञात किया जाता है तो आपको क्या लिखना है, योग कितना होगा। फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, n माइनस 2 गुणा 180, इस फॉर्मूले से आप ज्ञात कर सकते हैं। n की जगह आपको रखना है कि हमारे पास में जो बहुभुज दिया गया उसमें कितनी भुजाएं, तो इसमें कितनी भुजाएं, 5 भुजाएं, n की जगह आपको 5 रखना है, तो क्या आएगा 5 माइनस 2, यहाँ पर 5 रख दिया, वापस संख्या सेम रखेंगे, माइनस 2 आगे 180 लिख देंगे गुणा में, 5 माइनस 2 कितने रह जाएंगे 3 और गुणा में 180, 18 तीय होते हैं 54, तो यह कितना आएगा 540 डिग्री होता है, यानी कि पंचभुज के सभी अंत्य कोणों का योग 540 होता है। आपके पास में पंचभुज की जरूरी नहीं है, किसी भी प्रकार का बहुभुज हो जिसमें 6 भुजा हो, 7 भुजा हो, 8 भुजा हो, 9 भुजा हो या 10 भुजा हो, कोई भी हो किसी भी प्रकार का, आपको उनका अंदर वाले सभी कोणों का योग नहीं पता है। चतुर्भुज तक तो हम जानते हैं, त्रिभुज का हम जानते हैं 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज में 360 होता है, लेकिन पंचभुज या हमारे पास में 6 भुजा का, 7 भुजा का है तो हमें नहीं पता होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले से हम सभी अंत्यकोणों का योग है वो ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला इसका, 6 भुजा होगी तो यहाँ पर 6 लिखना है, 7 होगी तो 7 लिखना है n की जगह, 8 भुजा है तो n की जगह 8 लिखना है, और उससे ये पता चल जाएगा कि इस जो 8 भुजा का है तो इसके सभी अंत्यकोणों का योग कितना होगा। तो यहाँ पर पंचभुज में 540 डिग्री होता है, तो हम क्या करेंगे, सभी भुजाओं को जोड़ेंगे और बराबर में रख देंगे 540। तो यहाँ पर सबसे पहले कोण है 30 डिग्री, तो सबसे पहले कोण को 30 डिग्री लिखेंगे प्लस, दूसरा x लिख देंगे फिर प्लस, और तीसरा है तो अंदर वाला है नहीं, ये तो बाहर का है। तो देखिए किसी भी लाइन के ऊपर जो सीधी लाइन होती है, एक सीधी रेखा, उसके ऊपर जो कोण पूरा बनता है वो 180 डिग्री का होता है। अगर मैं इसको बीच में से इस तरह से काट देता हूँ तो यानी 180 को हमने दो भागों में बांट दिया, यहाँ पर ये कितना है 70, तो ये कितना रह गया हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, पूरा 180 होता है, कितना होता है 180। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पर अंदर वाला हमें नहीं पता, तो हम यहाँ से ये जो गोल राउंड है यानी कि आधा जो चांद है उसको हम लिखेंगे 180 और उसमें से माइनस कर देंगे बाहर वाला 70, इस तरह से ये लिख देंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पर भी ये इसी तरह का बाहर का है, अंदर वाला कोण नहीं है, तो इसको भी ये आधा जो चांद है इसको हम लिखेंगे 180, फिर माइनस, बाहर वाला कितना है 60 उसको माइनस करेंगे, यानी कि
पूरे 180 में से बाहर वाला माइनस करेंगे तो अंदर वाला कौन रह जाता है। उसके बाद में यहाँ पर ये आ गया x, तो प्लस में x बराबर में लिखना है आपको 540। अब इसको हम सरल कर लेंगे तो ये हो गया 30 प्लस एक्स, फिर प्लस 180 में से 70 माइनस कर देंगे 110, फिर प्लस 180 में 60 माइनस करेंगे 120, फिर x बराबर में 540। यहाँ पर सभी को जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पर इसको 120 मान लें तो 120 और 120 कितने होंगे 240, 240 में यहाँ पर 20 प्लस और कर देंगे तो 260 आ जाएंगे। और x और x, x प्लस x कितने x होते हैं 2x, प्लस में ये हमारे पास में आ जाएगा 260, बराबर में रह जाएगा 540 रह जाएगा। 260 को हम इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2x बराबर 540, माइनस में कर देंगे 260, ये लिख देंगे। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2x बराबर, यहाँ पर हम 540 में से 260 को अगर माइनस करते हैं तो पीछे रह जाएंगे हमारे पास में 280 रह जाएंगे। अब क्या करेंगे इसमें दो गुणा में भाग में आ जाएगा तो x बराबर 280 बटे 2, 28 में 2 का भाग जाता है 14 बार और 0 का 0, यानी कि x का मान क्या आएगा 140 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान इसका भी 140 ही होगा और यहाँ पर इसका भी 140 ही होगा क्योंकि दोनों सेम ही है। तो इस तरह से आपको 3 नंबर है इसका वो सरल करना है। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास में यहाँ पर एक त्रिभुज है, त्रिभुज में हम जानते हैं कि जो कोण है अंतःकोण है उनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में हमें, लेकिन यहाँ पर क्या करना है बाहर के कोण है वो हमें ज्ञात करने हैं। तो इसके अंदर अलग अलग कोण ज्ञात है, सबसे पहले x ज्ञात करेंगे। तो जो x कोण है उसके साथ में एक कोण दूसरा मिला हुआ है 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये कोण x हो गया बाहर वाला, अंदर वाला कितना है 90। तो अगर दोनों को जोड़ते हैं तो ये आधा चांद बनता है, और आधा चांद क्या होता है यानी कि आधा जो कोण होता है ये 180 डिग्री का होता है, यानी कि ये ऊपर वाली एक सरल रेखा हो गई उस पर बना, सरल रेखा पर बना कोण होता है इस तरह से वो 180 डिग्री का होता है, यानी कि इसको हम आधा चांद कह दें तो अर्धवृत्त कह दें। तो अब इसमें देखिए ये x हो गया ये 90 हो गया, तो x और 90 दोनों को हम वापस जोड़ देते तो ये बनता है आधा वृत्त, और आधा वृत्त होता है वो 180 डिग्री का होता है। अब यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 90 को इस साइड में लेके आएंगे, 180 में से 90 को माइनस कर देंगे तो पीछे x का मान आ जाएगा 90 डिग्री। ये तो हो गया x का मान। यहाँ पर y का मान ज्ञात करेंगे तो अंदर वाला कोण हमारे पास में है नहीं, तो अगर हम अंदर वाले को और बाहर वाले को अगर जोड़ते हैं तो ये बनता है अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त कितना होता है 180 डिग्री का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 180, ये पूरा होता है 180, तो इसको हम लिख सकते हैं 180। उसमें से y को माइनस कर देंगे तो माइनस y, इसको तो इस तरह से लिख देंगे। और फिर उसके बाद में फिर प्लस में हमें लिखना है, क्योंकि देखिए पूरे 180 में से y को माइनस कर दिया इसका मतलब अंदर वाला कोण रह गया, यानी कि पूरे 180 में से बाहर का कोण अगर माइनस करते हैं, यानी कि y को हमने माइनस कर दिया जो कि बाहर का कोण है, तो पीछे कौन सा बच गया अंदर वाला। तो अंदर वाले तीनों जोड़ेंगे 1, 2 और 3, तो इसको तो हमने लिख दिया, यहाँ पर 90 और 30 और जोड़ देंगे इसमें, तो यहाँ पर 90 प्लस 30। अब देखिए त्रिभुज के अंदर वाले तीनों कोणों को अगर हम जोड़ते हैं तो त्रिभुज के इनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज के सभी अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह आपको लाइन लिख देनी है यहाँ पर। अब इसको हम यहाँ से y का मान ज्ञात कर लेंगे, तो पहला x का हमने कर लिया अब y का करेंगे। तो चलिए ये हो गया 180 माइनस वाई, तो 90 और 30 को जोड़ते हैं तो ये 120 हो जाएंगे। ये होगा 180 माइनस वाई, और यहाँ पर प्लस में 90 और 30 को जोड़ लिया तो ये 120 बराबर में 180 डिग्री लिख देंगे। तो इन दोनों को जो हम यहाँ पर जोड़ेंगे 180 और 120 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे 300। तो ये हो गया हमारे पास में 300 माइनस में वाई बराबर में 180, 300 को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस में 300 हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा माइनस वाई। ये हो गया 180, 300 इस साइड में आके माइनस में 300, तो एक 300 में से 180 को माइनस कर देंगे तो y बराबर, y का जो हमारे पास में मान है वो कितना, यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस में 120 रह जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान क्या आ जाएगा 120 डिग्री, ये आएगा हमारे पास में y का मान। इसके बाद में हम शुरू करते हैं इसका जो z है
उसका कोण हमें ज्ञात करना है कि जेड कितना है हमारे पास में, ये और हमें ज्ञात करना है। अब जेड ज्ञात करने के लिए देखें, जेड का सिंपल सा तरीका है, ये जो अर्धवृत्त यहाँ पर पूरा ये अर्धवृत्त बनता है, और ये अर्धवृत्त कितने का होता है, 180 का, यानी कि अर्धवृत्त में दो कोण हमारे पास, एक जेड है एक 30 है, दोनों 30 और जेड को हम जोड़ देंगे तो अर्धवृत्त बन जाएगा। तो हमने जोड़ दिया यहाँ पर जेड प्लस 30, दोनों को जोड़ते ही आधा वृत्त बनता है, और आधा वृत्त होता है 180 डिग्री का, तो इसके बराबर में 180 लिख देंगे। 30 इस साइड में जाएगा तो जेड का मान क्या आएगा, 180 में से 30 को हम माइनस कर देंगे तो जेड बराबर 150 डिग्री आ जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। जैसे कि एक लाइन होती है, इस लाइन पे जब ये आधा चांद बनता है तो इसका मतलब 180 डिग्री का कोण है ये, अगर ये पूरा सा गोल हो जाए एकदम वृत्त बन जाए तो कितना होगा, 360। यहाँ पर हमें 360 की बात नहीं करनी, आधे कोण की बात करनी, 180 डिग्री का ये कोण होता है। अब इसको मैं बीच में इसके एक लाइन खींच देता हूँ, तो एक लाइन बना दी चलिए ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कोण जो 180 का कोण था उसको हमने बीच में से काट दिया। तो काटने के बाद में किसी भी, देखिए किसी भी चीज़ को हम मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर एक टमाटर हो, और उस टमाटर को हमने बीच में से काट दिया तो टमाटर के कितने भाग हो गए, दो भाग हो गए। उसी तरह से यहाँ पर 180 के कोण को हमने बीच में से काट दिया तो 180 का कोण है वो दो भागों में टूट गया, तो यहाँ एक भाग ये इस साइड का हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। इसको एक नंबर देता हूँ, इसको दो नंबर, यानी ये पहला भाग हो गया ये दूसरा, वो किसी, या इसको हम पहला कर सकते हैं इसको दूसरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। अब देखिए दोनों भाग को अगर मैं वापस जोड़ दूं, अब मैंने क्या किया, इस टमाटर को दो भागों में तोड़ दिया, यानी कि काट दिया तो दो भाग हो, दोनों भागों को मैं अगर वापस जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, वापस टमाटर बन जाएगा एक। हालांकि ये जुड़ता नहीं है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे हम माने कि एक टमाटर को बीच में से काटने के बाद में वापस अगर जोड़ देते हैं तो क्या होगा, वापस टमाटर की तरह दिखने लग जाएगा, यानी कि वो गोल बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 180 का जो कोण है उसको दो भागों में हमने काट दिया, अगर वो उन दोनों भागों को वापस जोड़ देता हूँ तो क्या बनता है, 180 डिग्री वापस बनता है, यानी कि दो भाग कौन से हैं, एक और दो, यानी एक और दो, एक नंबर दो नंबर को जोड़ता हूँ तो वापस क्या बनता है, वापस 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो बराबर में 180 डिग्री कोण लिख देगा। यहाँ पर वही बात है, ये एक नंबर भाग ये दो नंबर भाग, टमाटर के दो टुकड़े कर दिए, ये पहला भाग ये दूसरा भाग, पहला और दूसरा भाग को अगर वापस जोड़ देता हूँ टमाटर का तो क्या बन जाएगा, टमाटर बन जाएगा वापस। तो बराबर में क्या लिखेंगे, टमाटर ही लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी यही आपको तरीका अपनाना है कि कोण के दो टुकड़े हो गए तो दोनों को वापस जोड़ने पर वही कोण वापस बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से ये पूरा क्वेश्चन है वो मैंने सरल किया है। चलिए उसके बाद में हम शुरू करते हैं फाइव नंबर क्वेश्चन। फाइव नंबर क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x, y, z और w ये हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम w ज्ञात करते हैं, ये कौन w है, अगर मैं इसको आधा चांद बना देता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब ये हमारे पास में एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के अंदर वाले कोण जो होते हैं चार, उनका योग 360 डिग्री होता है। हमें यहाँ पर यही बात लिखनी है, यहाँ पर लिखेंगे हम कि चतुर्भुज के सभी अंत कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम W का मान ज्ञात करेंगे। W का कैसे किया जाएगा, ये पूरा 180, अब हमें तो अंदर वाले कोण जोड़ने हैं, तो ये अंदर वाला तो है नहीं हमारे पास में, तो ये अंदर वाला कैसे ज्ञात करेंगे, पूरा 180, 180 में से बाहर वाले को माइनस करते हैं तो अंदर वाला रह जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो पूरा 180 में से W को माइनस कर देंगे तो अंदर वाला कोण आ जाएगा, तो 180 में से हमने माइनस कर दिया W को, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, तो इसका मतलब इसमें से माइनस करते ही ये अंदर का कोण बन गया, और अंदर वाले और कितने हैं उनको हम जोड़ेंगे तो 120 ये जोड़ देंगे प्लस में, और उसके बाद प्लस में 80 जोड़ देंगे और प्लस में 60 जोड़ देंगे, तो प्लस 80 और प्लस 60। चलिए इनको सभी को हम जोड़ेंगे, 120 और 80 ये हमारे पास में 200 जाएंगे, 200 में 60 प्लस करेंगे तो 260, बराबर में आपको लिखना है 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इनको हमने जोड़ लिया, ये हो गया 180 माइनस W, और प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 120 और 80 200, ये 260 हो जाएंगे, बराबर में ये आ जाएगा 360 डिग्री। 180 ये भी प्लस की संख्या है, ये भी प्लस की संख्या है, इनको और जोड़ लेंगे हम, तो इनको हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा क्या हमारे पास में, इसको और इसको जोड़ देंगे तो 440 माइनस में W बराबर में 360 डिग्री। अब 440 को इस साइड में लेके आएंगे तो यहाँ पर माइनस में W रह जाएगा, ये हो गया हमारे पास में 360,
और 440 इस साइड में आके माइनस में 440 ये हो जाएगा, ये होगा माइनस में W बराबर 44 में से 36 को माइनस कर देंगे तो पीछे रह जाएंगे 8, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस में 8 और एक जीरो यानी कि 80 रह जाएंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 80 रह जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा तो W बराबर 80 डिग्री, यानी W जो कोण है वो कितना आएगा 80 डिग्री का आएगा। चलिए उसके बाद में अब जो कोण रह गए उनको ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हम x ज्ञात करेंगे, तो x का मान क्या आएगा, तो देखिए अगर मैं x को और 120 ये दोनों तरफ कोण दिए गए, इसमें तो दोनों तरफ थे नहीं इसलिए हमको इस तरह से W का मान ज्ञात करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर ये कोण भी दिया गया है और बाहर वाला भी दिया गया है, तो दोनों कोण को मैं वापस जोड़ देता हूँ तो क्या बनता है 180, x और 120 को जोड़ेंगे हैं, इस दोनों को हम जोड़ते हैं तो 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि आधा वृत्त 120 को इस साइड में लेके आएंगे तो x बराबर 180 माइनस 120 माइनस कर देंगे तो x का मान आ जाएगा हमारे पास में 60 डिग्री। इसी तरह से y का मान ज्ञात करेंगे, तो ये y है ये 80 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा, तो y प्लस 80 इनको जोड़ देंगे तो 180 डिग्री का कोण यानी कि आधा वृत्त बन जाएगा और 80 को माइनस कर देंगे तो y बराबर 180 माइनस 80 डिग्री, माइनस करेंगे दोनों संख्याओं को तो क्या रहेगा y का मान पीछे 100 डिग्री रह जाएगा। इसी तरह से z का मान दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा, z और 60 को जोड़ देंगे तो ये होगा z प्लस 60 डिग्री, 180 हो जाएगा, 60 को माइनस कर देंगे तो z बराबर 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो z का मान हमारे पास में 120 रह जाएगा, ये होगा z का मान, ये y का हो गया, ये x का हो गया और यहाँ पर हमने W का मान ज्ञात किया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन है वो सरल करना है, इसमें 5 दिए गए थे, मैंने आपको सभी बता दिए हैं किस तरह से आपको सरल करने हैं। इसके बाद में हम शुरू करते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया गया है कि एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, जो भी बहुभुज होता है उसमें अगर भुजा की संख्या ज्ञात करनी है उसका मतलब हमें एन का मान ज्ञात करना है, भुजाओं को हम एन कहते हैं बहुभुज में, तो एन का मान हमें ज्ञात करना है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप दिया गया है, तो बाह्य कोण है 45 डिग्री, तो यहाँ पर बाह्य कोण का नाम आए तो आप बुक में देखना आपको फॉर्मूले मिलेंगे, इसमें दो ही फॉर्मूलों का आपका यूज़ करना है ज़्यादातर, पहला फॉर्मूला आता है 360 बटे एन, ये तो है बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला है, यहाँ पर लिखना है आपको प्रत्येक बाह्य कोण, और प्रत्येक अंत कोण जो होगा उसका फॉर्मूला भी है, उसमें आपको लिखना है यहाँ पर एन माइनस दो इंटू में 180 और बट्टे में लिखना है एन, तो जहाँ पर प्रत्येक बाह्य कोण की बात आए, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा होगा प्रत्येक बाह्य कोण है या प्रत्येक अंत कोण, प्रत्येक बाह्य कोण लिखा होगा तो ये सूत्र लगाना है, प्रत्येक अंत कोण होगा तो ये फॉर्मूला लगाना है। चलिए यहाँ पर आया बाह्य कोण तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोण, बाह्य कोण को हम बहिष्कोण भी कहते हैं, प्रत्येक बाह्य कोण इसका फॉर्मूला है 360 बटे एन, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। अब प्रत्येक जो बाह्य कोण है वो है 45 डिग्री, एन का मान तो हमें ज्ञात करना है, एन का मतलब है यहाँ पर भुजा, तो एन का मान तो ज्ञात करना है, इस नाम की जगह हमें लिखना है 45, तो हम लिखेंगे 45 बटे में एक लिख सकते हैं, आगे लिखेंगे 360 बटे एन, एन को 45 से गुणा वज्र गुणा करेंगे, 45 को एन से गुणा किया तो 45 एन, 360 को एक से गुणा किया तो 360 एन, ये 45 गुणा में भाग में आ जाएगा, 360 इसके बट्टे में आ जाएगा 45, जो चीज़ गुणा में होती है वो भाग में आ जाती है, अब यहाँ पर 360 में 45 का हम भाग देंगे तो इसका भाग है वो 8 बार जाता है, या इसको आप छोटा भी कर सकते हैं यहाँ पर भाग देके, जैसे कि हमने यहाँ पर 3 का भाग दिया तो 15 बार चल गया, और यहाँ पर हमने 3 का भाग दिया तो 120, और 15 का जो भाग है 120 में 8 बार जाता है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप भाग है वो किस तरह से करना चाहें, तो n का मान 8 आ गया, यानी कि भुजाओं की संख्या हमें जो ज्ञात करनी थी वो भुजाओं की संख्या 8 होगी। इसके बाद में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, भुजाओं की संख्या का मतलब है n का मान हमें ज्ञात करना है और इसका प्रत्येक अंत्यकोण, इस बार अंत्यकोण की बात आई है तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक अंत्यकोण, इसका सूत्र क्या है वो लिख देंगे n माइनस दो गुणा 180 बटा एन, ये प्रत्येक अंत्यकोण का है, पीछे वाले क्वेश्चन में प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र मैंने बताया था, अब जो प्रत्येक अंत्यकोण है वो क्वेश्चन में 165 डिग्री दिया गया है तो इस नाम की जगह हमें लिखना है 165 बटे में एक लिख देंगे बराबर में
ये जो है उसको लिखेंगे एन माइनस दो और गुणा में 180 बटे में एन। चलिए तिरछा गुणा करेंगे तो एन माइनस दो को 180 को एक से गुणा किया तो यही संख्या आ जाएगी एन माइनस दो गुणा 180। 165 को एन से गुणा करेंगे तो 165 एन। सरल कर लेंगे तो ये समीकरण बन गई। तो एन को 180 से गुणा किया 180 एन माइनस दो को 180 से गुणा किया 360 बराबर 165 एन। ये जो एन वाली संख्या है वो एक साइड में रखेंगे तो जैसा कि 180 एन यहाँ पर है और ये भी एन की है तो एन वाली संख्या को इस साइड में लेके आएंगे। प्लस किए तो माइनस में 165 एन हो जाएगा बराबर 360 माइनस में इस साइड में लेके आएंगे तो प्लस में 360 हो जाएगा। माइनस कर लेंगे दोनों को 180 में से 165 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा पीछे 15 एन रह जाएगा और बराबर में 360 डिग्री। अब 15 का इसमें भाग चला जाएगा तो एन का मान आ जाएगा 360 बटे 15। 36 में 15 का भाग कितनी बार जाता है 15 दूनी 30 और 15 चौक 60 यानी कि 24 बार इसमें भाग जाएगा तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी 24 होगी तो एन का मान यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 24। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 है उसको सरल करना है। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसमें भी वही हमें जो हमने पहले किया था उसी तरह से सरल करना है। इसमें भी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है और प्रत्येक बाह्य कोण दिया गया है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रत्येक बाह्य कोण का। प्रत्येक बाह्य कोण इसका जो फॉर्मूला है प्रत्येक बाह्य कोण का वो है 360 बटे एन। प्रत्येक बाह्य कोण है वो 24 डिग्री है तो यहाँ पर लिखेंगे 24 डिग्री 24 बटे एक लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 360 बटे एन। तिरछा गुणा करेंगे वज्र गुणा एन को 24 से गुणा करेंगे तो 24 एन 360 को एक से गुणा किया तो 360 24 इसके भाग में आ जाएगा तो एन का मान क्या आएगा 360 बटे 24। 24 गुणा में तो भाग में आ जाएगा और भाग में होती है वो संख्या गुणा में चली जाती है। इसमें इसका भाग देंगे तो यहाँ पर 24 का भाग इसमें जाएगा एक बार तो पीछे हमारे पास में रह जाता है यहाँ पर 6 और ये 6 12 120 तो 120 के लिए 24 को हम 5 से गुणा करते हैं तो 10 और 2 12 यानी 120 पांच बार भाग जाएगा 120 में तो n का मान आ जाएगा 15। अब आप भाग है वो किस तरह से भी दे सकते हैं वो आपकी मर्जी है 360 में 24 का भाग देना है तो n का मान आ जाएगा 15 यानी भुजाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है उसका मान 15 आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है जो मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है एकदम। इसमें दिया गया कि उस समबहुभुज के प्रत्येक अंत्य कोण का मान, देखिए पहले हमें भुजाओं का मान ज्ञात करना था और अब हम कोण का मान ज्ञात करेंगे और कौन से कोण का अंत्य कोण का जिसकी भुजाओं की संख्या 10 है। यहाँ पर भुजा की संख्या अगर दी है इसका मतलब एन का मान क्या है हमारे पास में 10। भुजा एन को कहते हैं हम तो अंत्य कोण का, यहाँ पर अंत्य कोण की बात आई तो अंत्य कोण का फॉर्मूला लगाना है। अब अंत्य कोण का जो फॉर्मूला है वो क्या है एन माइनस दो गुणा में 180 बटे एन। एन की जगह आपको 10 लिखना है तो एन की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे 10 माइनस दो फिर आ जाएगा 180 बटे 10। ये यहाँ से जीरो कट गया 10 को यहाँ पर 10 माइनस दो करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 8 इंटू 18। अब 18 को 8 से गुणा कर देंगे तो 8 को 8 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 64 का 4 हासिल 6 रह जाएगी। फिर हम 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 और 6 को प्लस करेंगे 8 और 6 14 यानी 144 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें अंत्य कोण ज्ञात करना था, अंत्य कोण का मान क्या होगा 144 डिग्री। अब आपको सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है किसी भी तरह से आप सरल कर सकते हैं, एन का मान आपको 10 रखना है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कि किसी बहुभुज का प्रत्येक अंत्य कोण 115 है यानी प्रत्येक अंत्य कोण 115 डिग्री है तो क्या वह सम बहुभुज होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में इसका मतलब यह है कि क्या वह समबहुभुज होगा। अगर हमारे पास में इसका मान एकदम पूर्ण रूप से मान आ जाए यानी कि परफेक्ट संख्या निकल जाएगी जैसे कि हमारे पास में 15 आ जाए 20 आ जाए मतलब बट्टे में ना रहे, अगर संख्या बट्टे में रह जाएगी तो वो क्या होगा एक समबहुभुज नहीं होगा। अगर बट्टे में ना रहेगी पूरा पूरा भाग चला जाएगा संख्या में तो वो एक समबहुभुज होगा। चलिए हम देखते हैं इसको सरल करके। तो यहाँ पर जो प्रत्येक अंत्य कोण है वो 115 है तो प्रत्येक अंत्य कोण का हमें फॉर्मूला लगाना है तो हम लिखेंगे प्रत्येक अंत्य कोण। प्रत्येक अंत्य कोण का जो फॉर्मूला है वो है n माइनस दो गुणा में 180 बटे में n।
प्रत्येक अंत्य कोण 115 डिग्री दिया गया है, तो इस नाम की जगह आपको लिखना है 115 बट्टे में एक लिख देंगे, बराबर में इसको लिख देंगे, तो एन माइनस दो गुणा में 180 बट्टे में एन। वज्र गुणा करेंगे तो एक को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एन माइनस दो गुणा में 180 बराबर में एन को 115 से गुणा करेंगे 115 एन। अब 180 को इस गुणा कर लेंगे, 180 को एन से गुणा करेंगे तो 180 एन आ जाएगा, माइनस दो को 180 से गुणा करेंगे 360 बराबर में 115 एन ये आ जाएगा। अब यहाँ पर एक एन वाली संख्या एक साइड में, तो ये 180 एन है, इसको लिखेंगे, 115 को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस में 115 एन आ जाएगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 360 को इस साइड में लाएंगे तो 360 माइनस में तो प्लस में हो जाएगा दूसरी साइड में, तो दूसरी साइड में प्लस का हो गया। चलिए आगे इसको सरल करेंगे तो इनको 180 में से 115 एन को माइनस कर देंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, हमारे पास में 65 एन रह जाएगा और बराबर में 360। चलिए एन का मान क्या आएगा, 360 बटे 65। अब इसमें हम भाग देंगे तो दोनों में हम 5 का भाग देंगे क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, इसका मतलब 5 का भाग चला जाएगा, तो एन बराबर देखिए यहाँ पर 5 का भाग जाता है 7 × 5 = 35 और फिर 10 रह जाएगा, 10 में जाएगा 2 बार और 65 में 5 का भाग जाता है 13 बार, यानी 72/13। अब 13 का भाग देखेंगे हम 72 में जाता है तो 13 के पहाड़े में 72 नहीं आता तो क्या होगा, इसका मतलब 72 में 13 का भाग पूरा नहीं जाता, संख्या हमारी बट्टे में ही रह गई, तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमें दिया गया कि क्या वह बहुभुज होगा, तो हम लिख देंगे यह सम बहुभुज नहीं होगा, यह सम बहुभुज नहीं होगा, ये लिख देंगे क्योंकि हमारी संख्या बट्टे में रह गई, 72 में अगर पूरा भाग चला जाता तो वो सम बहुभुज होता, अब इसमें भाग तो जा नहीं रहा पूरा तो क्या बट्टे में संख्या रह गई, तो इसका मतलब वो सम बहुभुज नहीं होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 9 को सरल करना है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए एक षटकोण, षटकोण का मतलब है जिसमें 6 भुजा होती है, वो उसका मतलब षटकोण हो गया, यानी कि जिसमें 6 कोण होते हैं, तो 6 कोण यानी 6 कोण होंगे तो 6 ही भुजा होंगी, अगर 4 कोण होते हैं तो 4 ही भुजा होती है, तो उसी तरह से षटकोण का मतलब है जिसमें 6 कोण होते हैं, तो एक षटकोण का एक कोण हमें दिया गया है, यानी कि एक अंत्य कोण 165 डिग्री है और शेष प्रत्येक अंत्य कोण का माप एक्स है, तो क्या शेष सभी कोणों की माप बताइए। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम 6 भुजाओं की एक आकृति बनाते हैं, तो ये हमारे पास में, चलिए यहाँ पर हम बनाते हैं इस तरह से, ये दूसरी भुजा, ये 3 और यहाँ पर ये 4, ये 5 और ये 6, इसके अंदर 6 ही कोण, 6 भुजाएं, तो यहाँ पर सभी कोण भी 6 होंगे, तो ये 6 कोण हो गए हमारे पास में। अब इसने ये लिखा है कि ये षटकोण हो गया, यानी कि 6 भुजाओं वाला, 6 कोणों वाला, इसका एक कोण तो 165 है, तो किसी एक को भी 165 मान ले, चलिए ये 165 डिग्री है, और शेष सभी एक्स डिग्री, यानी कि बाकी के जो रह गए वो सभी एक्स है, तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, ये भी एक्स, तो सभी कोणों की माप बताइए। तो एक्स का यहाँ पर देखिए बाकी एक्स है, इसका मतलब यहाँ पर इस एक्स का मान अगर 50 आएगा तो सभी का 50 होगा, यहाँ पर 80 आता है तो सभी का 80 होगा, तो अगर एक्स का मान जो भी आएगा वो सभी एक्स का मान होगा। चलिए यहाँ पर ये षटकोण हो गया, अब षटकोण के अंदर सभी के कोण, ये जो कोण है वो सभी अंदर के कोण हैं, तो अंदर के 6 कोणों का योग कितना होता है वो हमें नहीं पता, तो हम लिखेंगे षटकोण के सभी अंत्य कोणों का योग, अंत्य कोणों का योग कितना होता है, वैसे 720 डिग्री होता है, तो हम लिख देंगे 720 डिग्री होता है। अगर आपको निकालना ना आए तो मैंने आपको पहले एक फॉर्मूला बताया था किस तरह से निकालते हैं, तो हम वो फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, n माइनस दो गुणा 180। एन का मान कितना, n का मतलब इसमें कितनी भुजाएं, 6 भुजाएं, तो 6 माइनस दो गुणा 180, 6 माइनस दो कितने होंगे, 4 गुणा 180, 18 × 72 होते हैं, 720 आ जाएगा, यानी इसके कोणों का, सभी कोणों का योग कितना है, अंदर वाले कोणों का 720 होता है। तो इस तरह से आप रफ काम में ये कोण निकाल सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं सीधा, तो 720 डिग्री होता है, हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, सभी अंदर वाले कोणों को जोड़ेंगे, तो बाकी के जो, ये तो सभी 5 बार एक्स है, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 5 बार एक्स जोड़ दिया और एक कोण 165 है, ये 6 कोण हो गए, 6 कोण को अगर हम जोड़ते हैं तो इनका मान कितना होता है, 720, तो बराबर में हम लिखेंगे 720 डिग्री।
यानी कि एक टमाटर के 6 टुकड़े कर दिया जाए और 6 टुकड़ों को वापस जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है, वापस एक टमाटर बनता है। उसी तरह से यहाँ पर ये क्या है, 6 टुकड़े हैं, इन 6 टुकड़ों को जोड़ दिया, ये 720 का कोण बनता है पूरा। तो 720 के हमने 6 टुकड़े कर दिए, 6 टुकड़ों को वापस जोड़ दिया तो 720 बन गया। यहाँ पर x कितनी बार है, 5 बार, तो यहाँ पर 5x हो गया, प्लस में 165 हो गया, बराबर में 720 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, 165 को इस साइड दूसरी साइड में लेके आएंगे तो माइनस में 165 हो जाएगा, तो 720 में से माइनस कर देंगे 165 को, तो 5x बराबर माइनस करेंगे तो 555 आएंगे, 5 का इसमें भाग चला जाएगा, तो x बराबर 555 बटे 5। अब भाग कितनी बार जाएगा, इसमें भी एक बार गया, एक बार गया, एक बार, यानी 111। x का मान कितना है, 111, यहाँ पर भी 111 होगा, ये भी 111 होगा, यहाँ पर भी 111, इस तरह से सभी x किसका 111 लिखना है। तो ये होगा यहाँ पर x का मान, तो सभी कोण है वो 111 डिग्री होंगे। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कि एक त्रिभुज की भुजाओं को एक क्रम में बढ़ाने से प्राप्त बहिष्कोण 110, 115 x है, तो x का मान ज्ञात करना है। अब त्रिभुज के अंदर के कोण हो या बाहर के, जैसे कि हमारे पास में ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं तो बाहर भी तीन ही है, अंदर वाले तीनों कोणों का योग 360 है तो बाहर वाले का भी क्या है, सॉरी अंदर वाले का 180 है तो बाहर वाले का क्या है, 360 डिग्री होता है बहिष्कोणों का। तो हम ये लिखेंगे, अब ये बहिष्कोण है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहिष्कोण, तीन बहिष्कोण दिए गए हैं तो एक्स का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग, त्रिभुज के जो तीन बहिष्कोण होते हैं बाहर वाले कोण यानी, उनका योग कितना होता है, 360 होता है, और अंदर वालों का 180 होता है, ये होगा 360। अब तीन कोण कौन से हैं, वो 110, अगर हम तीनों को जोड़ दें तो क्या होगा, 360 डिग्री बनेगा, यानी ये टमाटर है और टमाटर के तीन टुकड़े कर दिए और तीनों को वापस जोड़ते हैं तो क्या बन गया, ये टमाटर बन गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 360। अब इनको हम जोड़ेंगे 110, 115 और x को, तो x तो इसमें जोड़ेगा नहीं, तो 110 और 115 को हम जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में हो जाएंगे 225 प्लस x बराबर 360। 225 को इस साइड में लेके आएंगे तो x बराबर 360 माइनस 225, तो x का मान क्या आ जाएगा, 360 में से 225 को माइनस कर देंगे, 10 में से 5 को माइनस करेंगे 5, 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3, और यहाँ पर तीन में से 2 को माइनस किएंगे तो यहाँ पर 1, यानी कि 135 आ जाएगा, तो इसका मान आएगा 135 डिग्री, ये हो जाएगा x का मान। चलिए इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि एक सम सप्तभुज यानी जिसमें समान 7 भुजाएं हों के सभी अंत्यकोणों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि भुजा कितनी है 7, तो n का मान तो है 7, अब हमें अंत्यकोण का योगफल ज्ञात करना है, तो सभी अंत्यकोण का, अगर मैंने पहले भी बताया था किसी भी चीज़ का अगर अंत्यकोणों का योगफल आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए n माइनस 2 गुणा 180, ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है, n की जगह 7 रखना है तो 7 माइनस 2 गुणा में 180। किसी भी आकृति हो हमारे पास में, कोई भी बहुभुज हो, उसके अंत्यकोणों का अगर योगफल ज्ञात करना है सभी अंत्यकोणों का, तो ये फॉर्मूला काम आएगा, चाहे इसमें 7 भुजा है या 8 भुजा है, तो इसमें 7 भुजा है तो 7 भुजा है इसका मतलब 7 ही कोण होंगे, तो उन 7 कोणों का योगफल क्या होगा तो हमें पता नहीं, तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे, एन की जगह 7 माइनस 2 गुणा 180, ये हो गया 5 गुणा 180, 18 को 5 से गुणा किया तो 90 और 10 900, यानी कोण कितने होंगे, सम सप्तभुज के सभी अंत्यकोणों का योगफल है वो 900 डिग्री होगा, तो यह इसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको सभी इसमें 12 क्वेश्चन है वो सरल करके बता दिए हैं, मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।